किसको गैर कहता है? हिंदुस्तान को, उस सरजमी को जहाँ इस्लाम दिल से माना जाता है। उमराव जान, तुम्हारे इश्क में मैंने क्या क्या नहीं किया, नवाब से दलाल बन गया। दोस्तों, कभी न कभी आपने इस बात पर जरूर गौर किया होगा कि बॉलीवुड में 70s और 80s में जो सुपरस्टार्स थे, जिनको उस समय लोग उनके एटीट्यूड, उनके रुतबे, उनके कपड़े पहनने के स्टाइल और उनके डायलॉग बोलने के स्टाइल से जानते थे। नामुमकिन को मुमकिन बनाने ही का तो दूसरा नाम राना है। जिन्होंने कई सालों तक बॉलीवुड फिल्मों में काम किया और लोग उनके डाई हार्ड फैंस आज तक हैं। उनके द्वारा की जाने वाली चीजें आज ट्रेडमार्क में गिनी जाती हैं। जिनमें से बहुत सारे सुपरस्टार्स तो ऐसे थे जिनका परिवार आज भी फिल्मों में लगातार काम कर रहा है। चाहे राज कपूर का परिवार हो, धर्मेंद्र का परिवार हो या फिर अमिताभ बच्चन का परिवार हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी बहुत सारे सुपरस्टार्स रहे जिनके जाने के बाद उनके परिवार का कोई भी सदस्य फिल्म लाइन में नहीं है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों को तो अपने चहेते सुपरस्टार्स के परिवार के बारे में तो जानकारी तक नहीं है कि इनके कितने बच्चे हैं, ये क्या करते हैं, ये फिल्मों में काम क्यों नहीं करते हैं। हालांकि इनमें से कुछ सुपरस्टार्स के बच्चों ने फिल्मों में काम करने की कोशिश तो की, लेकिन वो अपने पिता की तरह सफल नहीं हो पाए। फिल्म लाइन में उनके पिता के होने की वजह से उन्हें फिल्मों में एंट्री तो आसानी से मिल गई, लेकिन वो यहाँ पर ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाए। तो आज के अपने इस वीडियो में हम एक ऐसे ही सुपरस्टार राजकुमार साहब के बेटे पुरु राजकुमार के बारे में बात करने वाले हैं। जब भी राजकुमार साहब के नाम का जिक्र होता है तो मुंह में सिगार दबाए, अपने गले में एक रुमाल बांधे हुए राजकुमार साहब की दबंग आवाज में बोले जाने वाले डायलॉग्स हमारे जहन में आते हैं, जिन्होंने दशकों तक बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। बहुत सारी फिल्में उन्होंने अपने उसूलों पर की। राजकुमार साहब का वो रुतबा था कि उस समय उनके लिए फिल्मों में अलग से डायलॉग्स लिखे जाते थे। राजकुमार साहब के दो बेटे और एक बेटी है जिन्होंने फिल्मों में काम करने का ट्राई तो किया, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं टिक पाया। उनके सबसे बड़े बेटे हैं पुरु राजकुमार, जिनको आपने बाल ब्रह्मचारी और हमारा दिल आपके पास है जैसी फिल्मों में देखा होगा। राजकुमार साहब के बेटे होने के नाते उन्हें फिल्मों में एंट्री तो बड़ी आसानी से मिल गई थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो अपने चेहरे पर कोई खास एक्सप्रेशंस ला ही नहीं पाते थे। वो डायलॉग भी बोलते थे तो उनके चेहरे पर ज्यादा एक्सप्रेशंस कभी आ ही नहीं पाए, और बस ऐसा लगता था कि मानो डायरेक्टर ने उन्हें जो भी लाइनें दी हों उन्होंने कैमरे के सामने उसे बोल दिया हो। एक्चुअली पुरु राजकुमार फिल्मों में आने के पहले भी काफी बिगड़ैल टाइप के थे, जो होते हैं ना बिल्कुल टिपिकल अमीर टाइप और बिगड़ैल किस्म के लोग। तो पुरु राजकुमार अपने टीनेज में कुछ वैसे ही थे, जहां पर उनका ज्यादातर हाई प्रोफाइल लोगों के साथ में उठना बैठना था, जिन पार्टीज में वो अक्सर ड्रिंक भी किया करते थे। ये पार्टियां मुंबई में जगह जगह पर काफी लेट नाइट तक चलती रहती थीं और पुरु राजकुमार इनको अटेंड करने के लिए जाते थे। इसके अलावा उस समय उन्हें राजकुमार जैसे सुपरस्टार के बेटे होने का घमंड तो था ही। फिल्मों में एंट्री करने के पहले कैसे पुरु राजकुमार ने एक बार बहुत ज्यादा ड्रिंक करके अपनी कार फुटपाथ पर सो रहे लोगों के ऊपर चढ़ा दी, जिस हादसे में मौके पर ही 3 लोगों की जान चली गई और कुछ लोग बुरी तरह से जख्मी हुए। सेलिब्रिटीज के द्वारा हिट एंड रन केस की बात जब भी सामने आती है तो उसमें सलमान खान के केस का जिक्र जरूर होता है, जो कि सलमान खान के साथ में सन 2002 में हुआ था और अभी तक ये केस चल रहा है। लेकिन आपको शायद ये बात जानकर हैरानी होगी कि उस समय पुरु राजकुमार की भी अनियंत्रित कार ने 3 लोगों को रौंद दिया था, जिनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई और कुछ लोग इसमें घायल भी हुए थे। लेकिन इसके बाद भी पुरु राजकुमार के ऊपर कोई भी बड़ा केस दर्ज नहीं हुआ और तुरंत ही ये केस सॉर्ट आउट हो गया। उस समय आखिर ऐसा क्या हुआ था, राजकुमार ने ऐसी कौन सी सिफारिश लगाई कि उनके बेटे के ऊपर ज्यादा केस ही नहीं हुआ। इस हादसे में ठेला गाड़ी पर सामान ढोने वाले मजदूर का एक हाथ भी टूटा, लेकिन पुरु राजकुमार ने उसके हाथ टूटने की कीमत मात्र 500 रुपए चुकाई। पुरु राजकुमार जब लगभग 8 साल के थे तब उस समय कैसे लेट 70s में मुंबई के बहुत ही कुख्यात किडनैपर्स रंगा और बिल्ला से वो छूटकर भागे थे और किडनैप होने से बच गए थे। पुरु राजकुमार की जिंदगी के बारे में, उनके फिल्मी करियर के बारे में ऐसे बहुत सारे अनछुए पहलू हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। राजकुमार साहब बहुत ही खुशमिजाज टाइप के थे। कश्मीर के वो रहने वाले थे और मुंबई में वो सब इंस्पेक्टर के तौर पर आए थे, जहाँ कुछ समय तक उन्होंने बॉम्बे में सब इंस्पेक्टर के तौर पर काम किया, लेकिन यहाँ पर उनका इंटरेस्ट फिल्म लाइन में बढ़ने लगा और उस समय राजकुमार ने बॉम्बे में सब इंस्पेक्टर की जॉब छोड़ दी और फिल्म लाइन में आ गए। आगे चलकर राजकुमार अपनी शूटिंग के सिलसिले में एक बार फ्लाइट से कहीं जा रहे थे तो उस फ्लाइट में उन्होंने जेनिफर नाम की एक एयर होस्टेस को देखा जो उन्हें काफी पसंद आई। जेनिफर एक एंग्लो इंडियन लेडी थी जो कि फ्लाइट में एयर होस्टेस के तौर पर काम करती थीं। लेकिन उस फ्लाइट में राजकुमार ने जैसे ही जेनिफर को देखा तो उन्हें पहली नजर में ही उनसे प्यार हो गया, और राजकुमार साहब इतने मस्त मौला और खुश मजाज टाइप के थे कि आगे चलकर उन्होंने इस एयर होस्टेस से शादी तक कर ली थी।
जिनका नाम आगे चलकर जेनिफर से बदलकर गायत्री रखा गया था, जिनसे उनको दो बेटे और एक बेटी हुई। बेटों के नाम उन्होंने रखे थे पुरु राजकुमार और पाणिनि राजकुमार, और बेटी का नाम उन्होंने रखा था वास्तविकता पंडित। जिनमें से पुरु राजकुमार सबसे बड़े थे। उनका जन्म 30 मार्च 1970 को बॉम्बे में हुआ था। आगे चलकर बॉम्बे के ही एक प्राइवेट स्कूल से इनकी स्कूलिंग की पढ़ाई कंप्लीट हुई। पिता राजकुमार उस टाइम पर सुपरस्टार थे ही, तो इनकी परवरिश भी कुछ ऐसे ही लाड़ प्यार से हुई। हालांकि पढ़ाई में पुरु राजकुमार का इंटरेस्ट कोई बहुत ज्यादा नहीं था। जिस समय पुरु राजकुमार की उम्र लगभग 8 साल की थी, तब उस समय उनकी माँ ने पुरु राजकुमार के बचपन में हुए एक इंसिडेंट के बारे में बताया था। उन्होंने बताया कि पुरु राजकुमार रोजाना के जैसे ही अपने स्कूल जाने के लिए निकलते थे। ये वो समय था जब मुंबई में रंगा और बिल्ला नाम के दो क्रिमिनल्स काफी कुख्यात हो रहे थे। ये दोनों ही रंगा बिल्ला उस समय मुंबई में लोगों से चोरी, डकैती और फरौती मांगने का काम करते थे, और इसी सिलसिले में वो एक बार पुरु राजकुमार के स्कूल के बाहर खड़े हुए थे। उस दिन राजकुमार पुरु राजकुमार को लेने के लिए उनके स्कूल आए थे। उन्होंने अपनी कार में बैठाया और रंगा बिल्ला ने राजकुमार को देख लिया और उन्हें ये पता चल गया कि ये राजकुमार का बेटा है और इसको अगर हम किडनैप करेंगे तो हमें अच्छी खासी फरौती मिलेगी। और इसके दूसरे ही दिन पुरु राजकुमार को स्कूल छोड़ने के लिए उनके घर का एक नौकर जा रहा था। ये दोनों एक टैक्सी से जा रहे थे और रंगा बिल्ला पीछे इनकी टैक्सी का एक और कार से पीछा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उस समय रंगा बिल्ला ने पुरु राजकुमार की कार के कांच के ऊपर अटैक किया और ये कांच टूट गया, लेकिन एन मौके पर उनके नौकर ने समझदारी दिखाई और पुरु राजकुमार को यहाँ से भगा दिया और कार में वो केवल अकेले बचे। ये दिन दहाड़े की बात है और उस समय रंगा बिल्ला का पुरु राजकुमार को किडनैप करने का ये प्लान फेल हो गया। इसके बाद आगे चलकर उन्होंने पुलिस में एक कंप्लेन दर्ज करवाई और बाद में एक स्केच आर्टिस्ट की मदद से एक स्केच बनाया गया जो कि रंगा का निकला। आगे चलकर रंगा और बिल्ला ने एक नेवल ऑफिसर चोपड़ा के लड़के और लड़की को किडनैप किया और बाद में उन्हें मार दिया। आगे चलकर रंगा और बिल्ला को फांसी की सजा सुनाई गई थी। उस समय मुंबई और दिल्ली के एरिया में रंगा और बिल्ला का आतंक काफी ज्यादा फैला हुआ था, और उस समय शायद इन दोनों का शिकार पुरु राजकुमार भी हो जाते, लेकिन वो बाल बाल बच गए थे। पुरु राजकुमार का इंटरेस्ट पढ़ाई में उतना ज्यादा कभी नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने आगे चलकर मुंबई के ही गेट्सबर्ग कॉलेज से इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी में अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, और यहीं पर उन्होंने नाम के लिए थोड़ी बहुत थिएटर भी सीखा। हालांकि पुरु राजकुमार के दिमाग में ये था कि वो राजकुमार के बेटे हैं और आगे चलकर उन्हें भी फिल्मों में काम आसानी से मिल जाएगा, लेकिन 1993 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने पुरु राजकुमार के करियर के ऊपर काला धब्बा लगा दिया था। 1993 की गर्मियों में 12 मार्च के दिन पूरी मुंबई बम धमाकों से दहल गई थी, जिसकी वजह से सामान्य जीवन पूरा अस्त व्यस्त हो गया था। ये 1993 की ठंडियों में दिसंबर के महीने की बात है, जब एक लेट नाइट पार्टी करने के बाद पुरु राजकुमार लगभग आधी रात को मुंबई की सड़कों पर अपनी तेज SUV दौड़ा रहे थे। उस पार्टी में पुरु राजकुमार ने काफी ड्रिंक कर ली थी। उन्होंने इतनी ज्यादा पी ली थी कि उनसे सही से खड़े होते भी नहीं बन रहा था। फिर भी वो वहाँ से अकेले अपनी कार में बैठे और तेज रफ्तार कार चलाते हुए निकले, और जैसे ही मुंबई के बांद्रा एरिया में वो पहुँचे तो वहाँ पर एक शार्प मोड़ आया, जिस मोड़ पर पुरु राजकुमार अपनी तेज रफ्तार से चली आ रही कार को कंट्रोल नहीं कर पाए और ये कार पास के ही एक फुटपाथ के ऊपर चली गई, जिस फुटपाथ पर डेली वर्कर्स दिन भर मजदूरी करने के बाद सो रहे थे, और पुरु राजकुमार की ये अनियंत्रित कार सीधे जाकर फुटपाथ पर इन लोगों के ऊपर चढ़ गई। ये कार इतनी तेज रफ्तार में थी कि वहाँ पर लेटे मजदूरों में से किसी के ये पैर पर चढ़ गई, किसी के हाथ के ऊपर से निकल गई, किसी के सीने के ऊपर से एक पहिया निकला और किसी के सिर के ऊपर से इसका पहिया निकल गया। उस समय हुए इस खतरनाक हादसे में 3 लोगों की तो मौके पर ही जान चली गई थी। इसके अलावा एक आदमी बुरी तरह से जख्मी हुआ था, उसका हाथ कटकर बिल्कुल अलग हो गया था, और इनके अलावा कुछ लोगों को काफी मामूली सी चोटें आई थीं। जब ये कार वहाँ पर खड़ी हुई और पुरु राजकुमार ने देखा कि उनकी कार के नीचे किसी का पैर है, किसी का हाथ है, और आधी रात में सुनसान सड़क के ऊपर ये मंजर काफी खतरनाक था, उस समय पुरु राजकुमार ने अपनी कार वहीं पर छोड़ी और वहाँ से तुरंत भाग गए। अगले दिन जब यहाँ मौके पर पुलिस आई तो पता चला कि ये कार राजकुमार के बेटे पुरु राजकुमार की है, जिनसे कल रात ये हादसा हुआ है। उस समय पुलिस को ये पता था कि ये राजकुमार के बेटे हैं, और उस समय पुलिस ने पुरु राजकुमार के ऊपर काफी मामूली से चार्ज लगाए और उनके खिलाफ एक केस दर्ज कर लिया। उस समय कोर्ट में इस केस की सुनवाई चलती रही, और इस हादसे में जो मजदूर मारे गए थे उनके परिवार में से भी कोई ऐसा नहीं था जो इसके खिलाफ कोर्ट में केस लड़ सके। पुरु राजकुमार के लिए वकील अपॉइंट किए गए और पुलिस का भी काफी फेवर उन्हें था। उस समय इस केस में पुरु राजकुमार को पुलिस ने एक दिन जेल में बंद किया और लगभग 950 रुपए जुर्माना भरने के बाद उन्हें छोड़ दिया। उस समय अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा मामला वैसे तो कोर्ट के बाहर ही सेटल हो गया था,
उस समय पुरु राजकुमार के वकीलों ने कोर्ट में ये दलीलें दी कि ये एक ट्रैफिक ऑफेंस का केस है। पुरु राजकुमार के वकीलों के द्वारा कोर्ट में एक के बाद एक ऐसी कई और दलीलें पेश करने के बाद फाइनली कोर्ट ने उन्होंने मृतकों के परिवार को 25,000 रुपए और जो व्यक्ति घायल हो गया था, जिसका हाथ अलग हो गया था, उसको लगभग 500 रुपए जुर्माना देने की सजा सुनाई। और उस समय इतने बड़े हादसे की इतनी मामूली सी सजा सुनाए जाने के बाद पुरु राजकुमार को बेइज्जत बरी कर दिया गया। ये 1993 की बात थी, जिस समय पुरु राजकुमार की उम्र लगभग 23 साल थी और उन्होंने फिल्मों में भी अपना करियर शुरू नहीं किया था। और उस समय अगर पुरु राजकुमार का ये हिट एंड रन केस काफी लंबा चलता रहता तो उनके डेब्यू के ऊपर काफी फर्क पड़ता। लेकिन मात्र 1,00,000 रुपए का जुर्माना पुरु राजकुमार को चुकाना पड़ा और ये केस वहीं पर बंद हो गया। गौर करने वाली बात यह है कि आगे चलकर सेम ऐसा ही केस सलमान खान के साथ भी हुआ था। ये लगभग 2002 की बात थी, लेकिन इस केस ने सलमान खान की कई सालों तक रातों की नींद उड़ा दी थी। लेकिन पुरु राजकुमार के साथ हुआ ये केस बिल्कुल वैसे ही रफा दफा कर दिया कि मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। इसके बारे में उस समय बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि इतने बड़े केस के बाद पुरु राजकुमार की लाइफ के ऊपर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा था। इसके कुछ दिनों बाद उन्हें ऐसे ही फिर से पार्टीज करते हुए देखा गया और वो अपनी पहली फिल्म के लिए तैयार हो गए। साल था 1996 का और पुरु राजकुमार करिश्मा कपूर के साथ में फिल्म बाल ब्रह्मचारी से अपना डेब्यू कर रहे थे। जाने माने डायरेक्टर प्रकाश मेहरा ने इसकी कहानी लिखी थी, वो इसका डायरेक्शन भी कर रहे थे और वही इसको प्रोड्यूस भी कर रहे थे। हालांकि उस समय फिल्म कुछ खास नहीं थी, लेकिन ये राजकुमार के बेटे की डेब्यू फिल्म थी। इस वजह से लोग इसको लेकर काफी एक्साइटेड थे और लगभग 2 करोड़ के बजट में बनी फिल्म बाल ब्रह्मचारी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 3.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। इसमें पुरु राजकुमार एक बाल ब्रह्मचारी बने हुए थे। हालांकि इसमें उनकी एक्टिंग को लोगों ने काफी क्रिटिसाइज किया और कहा कि उनके अंदर हीरो जैसी कोई क्वालिटी ही नहीं है। कई क्रिटिक्स ने उनको क्रिटिसाइज करते हुए लिखा कि उनके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आते हैं। जिस समय पुरु राजकुमार की ये पहली फिल्म रिलीज होने के लिए तैयार थी, उस समय राजकुमार की तबीयत काफी खराब रहने लगी थी और उनके बेटे की ये पहली फिल्म रिलीज हो पाती और राजकुमार इसको देख पाते कि इसके लगभग 2 महीने पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। उस समय पुरु राजकुमार की ये फिल्म उतनी नहीं चली और उनके पिता की भी मृत्यु हुई थी। इस वजह से पुरु राजकुमार उस समय अपने घर परिवार को संभालने लगे थे। हालांकि इसके बाद उनकी कुछ और फिल्में भी लाइन में थीं, लेकिन बाल ब्रह्मचारी को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया कि ये फिल्में आधी बीच में ही बंद हो गईं। और 1996 में आई अपनी इस डेब्यू फिल्म के लगभग 4 साल बाद पुरु राजकुमार हमें फिल्म हमारा दिल आपके पास है में नजर आए। लेकिन अपनी दूसरी ही फिल्म में पुरु राजकुमार हमें बतौर हीरो के तौर पर नहीं बल्कि एक विलेन के तौर पर नजर आए थे। लेकिन उस समय ये फिल्म भी एवरेज रही और नेगेटिव रोल में पुरु राजकुमार का काम भी एवरेज रहा। उनकी दूसरी फिल्म में भी उन्हें उतना ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया गया और उनकी लीड रोल में बन रही उस समय बहुत सारी फिल्में बंद हो गईं। इसके बाद आगे चलकर वो हमें मिशन कश्मीर, खतरों के खिलाड़ी और बहुत सारी लो बजट की फिल्मों में नजर आए, जिनमें उलझन, अर्जुन देवा, भारत भाग्य विधाता, ईंट का जवाब पत्थर और ऐसी कई और फिल्में शामिल हैं। लेकिन ना तो ये फिल्में चलीं और ना ही पुरु राजकुमार का करियर ट्रैक पर आया। इसके बाद वो हमें दुश्मनी, एलओसी कारगिल, जागो, उमराव जान और वीर जैसी फिल्मों में कई छोटे छोटे रोल्स में नजर आए। लेकिन पुरु राजकुमार का करियर उड़ान ही नहीं भर रहा था। उस समय पुरु राजकुमार के इस करियर को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि पुरु राजकुमार ने अपनी कार से जिन 3 लोगों को कुचल दिया था, ये उनके परिवार वालों की ही बद्दुआ है कि पुरु राजकुमार के करियर की एक भी फिल्म नहीं चली है। लगभग 2010 के दौरान एक कॉमन फ्रेंड के जरिए उनकी मुलाकात हुई एक क्रोटियन मॉडल कॉर्डिका गार्डक से। एक दो बार ये दोनों कॉफी के लिए मिले, धीरे धीरे इन दोनों के बीच में प्यार हुआ और फाइनली 2011 में इन्होंने शादी कर ली थी। और अपनी शादी के बाद पुरु राजकुमार हमें आखिरी बार सन 2014 में फिल्म एक्शन जैक्सन में नजर आए थे। ये उनके करियर की अभी तक की आखिरी फिल्म है। 2014 के बाद वो हमें अभी तक किसी और फिल्म में नजर नहीं आए हैं। फिल्मों के अलावा न ही पुरु राजकुमार हमें ज्यादातर ऐसे पब्लिक गैदरिंग में नजर आते हैं और न ही वो मीडिया से ज्यादा टच में है। इस बारे में बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि पुरु राजकुमार अपनी पत्नी के साथ में कुछ समय के लिए क्रोटिया ही चले गए थे। हालांकि बाद में कुछ खबरें ऐसी आईं कि पुरु राजकुमार मुंबई में ही हैं और काम की तलाश कर रहे हैं। लेकिन 2014 के बाद में वो हमें अभी तक फिलहाल तो किसी फिल्म में नजर नहीं आए हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई राजकुमार के बेटे पुरु राजकुमार के करियर के बारे में और उनकी जिंदगी के बारे में। आप में से कितने लोग पुरु राजकुमार को पहले से जानते थे, उनकी कौन कौन सी फिल्में आपने देखी हैं और उनकी लाइफ के बारे में आपका क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।